दोस्तों आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं LG का 2024 का 32 इंच का लाइनअप, जिसमें आपको LG का बड़े सेगमेंट का जो टीवी है उनमें जो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं वही सारे फीचर्स आपको 32 इंच के इस लाइनअप में देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम इस टीवी का पिक्चर क्वालिटी देखेंगे, साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे, साथ ही साथ यूजर इंटरफेस, पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, डिजाइन, सारी चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इस टीवी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टेबल टॉप स्टैंड, पावर केबल, यूजर मैनुअल, यूजर गाइड, दो बैटरी ट्रिपल ए टाइप का, साथ ही साथ एक रिमोट देखने को मिल जाता है। इसके रिमोट को देखें तो यहाँ पे आपको बेसिक सा रिमोट प्रोवाइड किया गया है जो कि आईआर सेंसर वाला रिमोट है, जिसमें आपको मिल जाता है 4 हॉट की, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, मूवीज, ऐप का हॉट की देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सारे की अवेलेबल है। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है इस रिमोट का। इसमें मैजिक रिमोट नहीं प्रोवाइड किया गया है। वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि इस टीवी में आप मैजिक रिमोट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके डिजाइन को देखें तो यहां पे आपको 3-साइड बेजललेस डिजाइन दिया गया है, जो कि 32 इंच के लाइनअप में जनरली बेजल के साथ देखने को मिलता था, बट इस टीवी के डिजाइन काफी बेहतरीन है। बिल्ड क्वालिटी को देखें तो यहाँ पे पूरी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है जो कि काफी हेवी फील होता है। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है इस टीवी की, एंड डिजाइन वाइज, लुक वाइज देखें इस टीवी को तो काफी परफेक्ट देखने को मिलता है। इसके पोर्ट्स को देखें तो यहाँ पे आपको 2 HDMI का सपोर्ट मिलता है, जिसमें 1 HDMI 2.1 वर्जन के साथ आ रहा है जो कि ERC एंड ARC को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ 1 USB पोर्ट, LAN पोर्ट, ऑप्टिकल एंड RF इनपुट का भी सपोर्ट मिल जाता है। कुछ कनेक्टिविटी साइड में दी गई है एंड कुछ कनेक्टिविटी बैक साइड में देखने को दिया गया है। इसकी कनेक्टिविटी को देखें तो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट है, साथ ही साथ Wi-Fi 5 का सपोर्ट मिल जाता है जो कि डुअल बैंड को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी सभी तरह के प्रोवाइड किए गए हैं। इसके पिक्चर क्वालिटी को देखें तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस टीवी में यूज हुआ है डीलेड IPS पैनल जो कि यहाँ पे बेस्ट डिटेलिंग देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इस टीवी में आपको कॉन्ट्रास्ट काफी बढ़िया है। जनरली IPS पैनल में कॉन्ट्रास्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, बट इस टीवी की कॉन्ट्रास्ट काफी बढ़िया है। यहाँ पे 32 इंच में इसका जो रेजोल्यूशन है वो HD रेडी है। इस टीवी में फुल HD वीडियो प्लेबैक है, मतलब यहाँ पे 1080 वीडियो को आप इजिली प्ले कर सकते हैं, जो कि आप पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं। कलर डिटेलिंग काफी बेहतर निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनके प्रोसेसर में थोड़े से अपग्रेड किए गए हैं, जो कि मिलता है अल्फा 5 जनरेशन 6 का प्रोसेसर, जो LG का 4K टीवी में देखने को मिलता था। सिमिलर सा प्रोसेसर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे पिक्चर का डिटेलिंग, कलर कॉन्ट्रास्ट काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके ब्लैक्स को देखें तो यहाँ पे ब्लैक्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे IPS पैनल है। जनरली IPS पैनल में ब्लैक्स उतने अच्छे नहीं दिखते हैं, बट इस टीवी में आपको ब्लैक्स काफी अच्छा दिख रहा है। साथ ही साथ इसके कलर को देखें तो यहाँ पे काफी बेहतर कलर निकल कर आ रहा है, बिकॉज इस टीवी में IPS पैनल है, जिसकी वजह से डीप कलर देखने को मिल रहा है। ओवर सैचुरेटेड कलर यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, जो कि अगर आप ये सीन में देखें तो यहाँ पे जो कलर का बैलेंस है एक्यूरेट देखने को मिल रहा है। जनरली 32 इंच के टीवी में इस सीन में आपको काफी ओवर सैचुरेटेड कलर मिलते हैं, बट इस टीवी में आपको काफी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल रही है। व्हाइट बैलेंस की बात करें तो वो भी परफेक्ट देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पे आपको अपस्केलिंग भी काफी अच्छी हो रही है। HD चैनल की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफी बेहतर निकल कर आ रहा है, साथ ही साथ HD चैनल की भी क्वालिटी यहाँ पे काफी बेस्ट निकल कर आ रही है। अगर आप इस टीवी में HD एंड HD चैनल को देखते हैं, यहाँ पे किसी तरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा इस टीवी में। एंड इस टीवी में आपको मिलता है HDR10 एंड HLG का सपोर्ट। अगर आप इस टीवी में OTT वगैरह देखते हैं लाइक नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो, से डार्कर सीन में भी आपको काफी अच्छी ब्राइटर पिक्चर देखने को मिलेगी। मैंने इस टीवी में OTT कंटेंट को प्ले किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए HDR परफॉर्मेंस इस टीवी का काफी बढ़िया है, यहाँ पे किसी तरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड इस टीवी में आपको मिलता है 60Hz का रिफ्रेश रेट, जो कि स्मूथनेस काफी परफेक्ट है टीवी का। इस टीवी में अगर आप फास्ट मूविंग सीन लाइक क्रिकेट मैच या फिर एक्शन मूवीज वगैरह देखते हैं, तो वहां पे आपको जो जिटर लैग है वो नोटिस नहीं होता है। स्मूथनेस काफी अच्छी है इस टीवी की। फुल HD वीडियो को भी आप प्ले करते हैं तो यहाँ पे आपको स्मूथनेस काफी बढ़िया मिलने वाला है। क्रिकेट मैच वगैरह भी देखते हैं तो इस टीवी में आपको
जिटर या लैग देखने को नहीं मिलता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड देखने को मिलेंगे। जनरली अगर घर पे आप पिक्चर क्वालिटी देखते हैं तो इसके स्टैंडर्ड मोड को ही यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेहतर निकल कर आ रहा है। जनरली 32 इंच में आपको इतने अच्छे पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे जिस प्राइस पॉइंट पे ये टीवी देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी इस टीवी का देखने को मिल रहा है। इसके साउंड क्वालिटी को देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है टोटल आउटपुट 20 वाट का सपोर्ट, जो कि 2 चैनल स्पीकर दिए गए हैं, एंड यहाँ पे AI मोड भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजर इंटरफेस यानी के ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पे आपको WebOS का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स को अपग्रेड किया गया है। जनरली ये सारे फीचर्स 43 एंड एवब के टीवी में देखने को मिलते हैं, जो कि इस 32 इंच के टीवी में दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको होम स्क्रीन देखेंगे तो यहीं पे आपको सारे ऐप का सेक्शन मिल जाता है। ऊपर में देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एंड इस टीवी में ऐप की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन दिए गए हैं। इसमें एडिशनल ऐप को डाउनलोड करना है तो ऐप सेक्शन में जाके आप एडिशनल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस टीवी में अलेक्सा का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि मैजिक रिमोट को पेयर करके आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस टीवी के साथ मैजिक रिमोट कंपैटिबल है, तो आप इजीली इस टीवी में अलेक्सा का यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एप्पल एयरप्ले, एप्पल होम किट, एंड यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन से स्क्रीन मिरर करना चाहते हैं तो वो सारी काम यहाँ पे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऐप ओपनिंग वगैरह इस टीवी का काफ़ी फास्ट है, लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बहुत ऐसे फीचर्स इस टीवी में दिए गए हैं जो कि यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। अगर इस टीवी की प्राइसिंग की बात करें तो इस टीवी की जो प्राइसिंग है अभी करेंट मार्केट प्राइस 20,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑफर वगैरह लगा के आपको ये टीवी अप्रॉक्सीमेटली 18,000 के आसपास पड़ने वाला है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, परचेस कर सकते हैं, या इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन इस टीवी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। किसी तरह का क्वेरी है तो डायरेक्ट मुझे DM करके बता सकते हैं। एंड इस टीवी को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बेस्ट बाय लिंक, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।